करेरा गहलोई समाज ने गहलोई भवन बस स्टैंड पर झंडा वंदन कर महात्मा गांधी राष्ट्र कवि दद्दा मैथिली शरण गुप्ता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। समाज सेवी ने समाज को प्रगति देने के लिए लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए और शहीदों को याद किया। साथ ही करेरा नगर के मुख्य चौराहे पर राष्ट्र कवि दद्दा मैथिली शरण गुप्ता की प्रतिमा लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने मांग करने के बाद गई। गहलोई समाज अध्यक्ष मनोज रेजा ने कहा कि हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका है, समाज का सदस्यता अभियान चालू है, जैसे ही सदस्यता अभियान पूर्ण होगा चुनाव करा दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती दिलीप बिलैया, अध्यक्षता धनीराम निखरा, सीताराम गेड़ा, भोगीलाल बिलैया, ओम प्रकाश पहारिया, धनश्याम दास धूसर, अवधेश तितविलासी, रामगोपाल कुचिया, गहलोई समाज अध्यक्ष मनोज रेजा, गहलोई महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती श्वेता नागरिया, गहलोई युवा जागृति परिषद अध्यक्ष रानू बिलैया, सुनील कोठारी, दिलीप निखरा, जीवन लाल कनकने, द्वारिका निखरा, व्यापार संघ अध्यक्ष राजीव निखरा, गल्ला व्यापारी संघ कार्यवाहक अध्यक्ष महेश वेडर, गल्ला व्यापारी संघ कार्यालय मंत्री सूर्यकांत नोगरैया, शुभम कनकने, वीरेंद्र निखरा, विपिन गुप्ता, अनूप निखरा, नीरज गुप्ता, राकेश कनकने, भारत भूषण गुप्ता, नवनीत निखरा, अंशु संजय बिलैया पत्रकार उपस्थित रहे। हम महसूस करते हैं कि हम आजाद भारत के निवासी हैं। बहुत सारे अधिकारों की हम बात करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों की बात करते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियों की बात करते हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छा कुछ संदेश दिया, किसी ने यहाँ पर मूर्ति की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव रखा और बाकी लोगों ने समाज की एकता का बात कही कि हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, एकता से ही हम अपनी शक्ति की वजह से ही हर जगह सफल हो पाएंगे। ये निश्चित तौर पर मानने वाली बात है। इसके साथ ही बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि हम बहुत बार उनको भूल जाते हैं जिनके परिवारों की वजह से, जिनके व्यक्तियों की वजह से हम यहाँ देश के भीतर सुरक्षित हैं। वो जो सरहद पे हमारे लिए खड़े हैं, उनके परिवारों के लिए भी हम थोड़ा सा श्रद्धा भाव रखें, थोड़ा सा समर्पण रखें, उनका थोड़े देख रेख कर लें। वो हमारे बीच ही कहीं रहते हैं, जिनके पति बेटे भाई महीनों के लिए सरहद पे चले जाते हैं और वे कई समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तो हम थोड़ा सा स्नेह उनके लिए भी ले लें। बस इसी एक विषय को लेके चार पंक्तियाँ मैंने लिखी थी कि मैं क्या महसूस करती हूँ, देश की मिट्टी मेरे लिए क्या है। तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी उस एक बात को, उन पंक्तियों को। चंदन की जैसी मेरे देश की मिट्टी है, पूजा के चंदन की जैसी मेरे देश की मिट्टी है, देवलोक ने पृथ्वी को भेजी ये वो पावन चिट्ठी है। जिस धरा के ऊपर देव स्वयं धर मनुज रूप अवतार लिए, जहाँ मातृभूमि और माता के आगे स्वर्ग के वैभव त्याग दिए, मेरे देश की मिट्टी माथे धर और जान हथेली पर लेकर, कुछ दीवाने चल दिए थे फिर आज़ादी की चाहत लेकर। हुंकार भरी सिंहों जैसी और अरिदल ऊपर टूट पड़े, हुंकार भरी सिंहों जैसी और अरिदल ऊपर टूट पड़े, वो भारत माता के सपूत छत के दुश्मन के छूट गए। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के की बेला पर आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। ऐ महोत्सव है आज़ादी के इतिहास का, नए संकल्पों के साथ का, आत्मनिर्भरता के आगाज का, भारत के विश्व गुरु बनने का एहसास का। 15 अगस्त 1947 के दिन ही हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। आज हम आज़ादी के 75वें साल पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस बार 15 अगस्त पर भारत सरकार ने हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई है, जिसके चलते हम सभी ने अपने घरों में तिरंगा लहराया है, इस पर्व को और ज़्यादा यादगार बना दिया। इसी के साथ आज मैं आप सभी के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी हमारे समाज के गौरव हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 3 अगस्त 2022 को हमने उनकी जयंती बहुत धूमधाम से मनाई।
हम अपने कार्यकाल में करेरा के मुख्य चौराहे पर मैथिली सरगुप्त जी की एक प्रतिमा को स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए हमें आप सभी का साथ चाहिए। प्रेरित होकर समाज का नाम आगे बढ़े, साथ ही ये हमारे समाज की उन्नति का प्रतीक होगा। इसके लिए हमें आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 15 तक हर बिल्डिंग के ऊपर ध्वजारोहण किया जाना था, कई लोगों ने किया, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। हम देख रहे हैं कि आज की परिस्थितियां बड़ी विचित्र पैदा हो रही हैं। हम अपने आप में संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते। अगर संतुष्ट सदस्यता उपरांत अतिशीघ्र यहाँ निर्वाचन कर दिए जाएंगे, करा दिए जाएंगे, ऐसा हम लोगों का विचार है। जिस दिन सदस्यता पूरी हो गई, 2 साल की अभी सदस्यता बाकी है, उस सदस्यता के बाद बहु समाज का निर्वाचन होना है, ये बिल्कुल हम लोगों ने बिल्कुल तय कर दिया। आज यहाँ से जैसे हमें बताया गया कि ये मैथिली संत जयंती के प्रतिमा चौराहे पर लगना चाहिए, तो निश्चित तौर पर हमने 2 प्रयास नगर पंचायत से किए थे। एक प्रयास उसमें मैथिली संत दत्ता की प्रतिमा का था और दूसरा प्रयास हमारा ये सामने जो धर्मशाला के CC रोड गली है, इसका प्रयास हमने किया था। उस समय जितनी परिषद थी कोई कम